हो रही है उस पर हमें अपडेट कर रहे हैं। हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आज की जो सूरत हाल आपने अभी तक की देखी, इमरान खान इस वक्त अमरा अदालत में मौजूद हैं, वहां पर समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। जो पिछले कुछ दिन पहले जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान की पेशी थी और जो आज की ये पेशी है लाहौर हाईकोर्ट में, इन दोनों में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं, खास तौर पर जो कारकुनान का कंडक्ट है उसके हिसाब से? देखिए, कारकुनान के अगर कंडक्ट की बात की जाए तो आज जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिस तरीके से लाहौर हाईकोर्ट की दीवारों पर चढ़ गए, वहां पर भी हमने देखा कि वो भरपूर तरीके से जो है वो अदालत में चले गए और उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए। और आज लेकिन जो है लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा टूटे से अलबत्ता बाकी है, लेकिन उन्होंने दीवारों की कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब जो इमरान खान साहब खुद जो है वो रोस्टर पर आकर ये बात कर रहे हैं कि उन पर 6 मुकदमात इस्लामाबाद और 3 लाहौर में दर्ज हुए, और फिर इमरान खान ने मुतलका अदालत में पेश होने के लिए फांसी जमानत के लिए अप्लाई किया, फिर ये भी इमरान खान के वकील की तरफ से बताया गया, और फिर ये कहा गया कि फांसी जमानत इमरान खान का बुनियादी हक है और हम इस मुकदमे में जमानत देंगे जिनकी दरखास्त हमारे सामने है। ये जस्टिस तारिक सलीम शेख की तरफ से कहा गया। बुनियादी तौर पर ये तो अदालती मामला है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जिस तरह कवानीन को और तमाम तर पॉलिसियों को जो अदारों का एहतराम है उनको बाला ताक रखा, यही हमने मुस्लिम लीग नून में भी यही सिचुएशन देखी थी, यही हमने एक जमाना था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी यही सिचुएशन देखी थी। किसी ने जो है वो अदारों के एहतराम का ऐलान करना, उनका मुतालबा करना, उसके हवाले से पॉलिसियां बनाना और उस पर अमल दरामद करना, ये एक अलग मंतक जो है वो दिखाई देती है। कभी भी हमने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी कि जो ये हुक्मरान, जो सियासतदान, जो ऐवानों में जाकर, जो अदालतों में जाकर बड़े बड़े दावे, ऐलान और बयान देते हैं, कभी इन्होंने आकर ग्राउंड लेवल पर अपने कारकुनों को कहा हो कि हमने अदारों का एहतराम करना है। उस दिन भी देखे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने लीडर के इश्क में इतने मुब्तला हो गए कि उन्होंने अदालत के दरवाजे तक तोड़ दिए, वो जो है वो गाड़ियों के जो है वो शीशे के तोड़ते हुए अंदर चले गए। आज भी हमने देखा कि वो लाहौर हाई कोर्ट की दीवारों पर चढ़ गए, कारकुनान जो है वो दीवार पर चढ़ गए, वो लाहौर हाई कोर्ट की अदालत की दीवार है, वो उसका एहतराम भी सब पर फर्ज है। अगर अदालत का एहतराम है तो उनके दरवाजे से लेकर तमाम अदालत तक हर चीज पर फर्ज है कि उनका एहतराम करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो चाहे मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हो, हमने देखा कि जब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे या नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा गिरफ्तार हुई थी, तो उस वक्त भी कारकुनान इसी तरह जो है वो जब वो पेशी के लिए पेश होते रहे तो उनकी तादाद जो है वो इसी तरह अदालतों में उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंची थी, उन्होंने इसी तरह कारकुनान की तादाद मौजूद थी। हसन, ठीक है, आप साथ ही रहेगा। मोहम्मद अशफाक की जानिब बढ़ते हैं। अशफाक, बताएगा इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या दलाल पेश किए जा रहे हैं वकला की जानिब से? जी, इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट का दो रुकनी बेंच इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों से मुतल्लिक समाअत का आगाज किए हुए है, और इमरान खान के वकला ने अदालत में ये कहा है कि उनकी इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इमरान खान इस हवाले से मुतल्लिका अदालत में पेश होना चाहते हैं, तो अदालत की इजाजत से इमरान खान ने कहा कि मैं अदालत के सामने कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान खान को कहा कि जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि मेरे ऊपर कातिलाना हमला भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद मेरे खिलाफ इतने मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पेश होना है और कहाँ नहीं होना। मेरे घर पर जो हमला हुआ वो मैं बता नहीं सकता। इमरान खान ने कहा कि चीजें मेरे हाथ से निकल चुकी थी, अदालत का शुक्र गुजार हूँ कि अदालत ने बचा लिया। खान साहब ने कहा, अदालत ने कहा कि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क दिए कि खान साहब आप सिस्टम के साथ चलें तो बहुत से मसाइल हल होंगे। इमरान खान ने कहा कि आपने बचा लिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इस मौके पर इमरान खान ने वजीर दाखला राणा सनाउल्ला पर इल्जाम लगाया कमरा अदालत में और कहा कि वजीर दाखला कह रहा है कि मेरी जान खतरे में है, जिस जगह मेरी पेशी है वो जगह खतरे से खाली नहीं, वो जगह गलियों में है, वहां पर जदीद पर भी हमले हो चुके हैं। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि मेरे ऊपर पहले भी कातिलाना हमला हो चुका है, सिर्फ इतना कहा कि इस्लामाबाद की अदालत किसी और जगह मुंतकिल कर दे, मैं कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ, सारी जिंदगी कभी कानून नहीं तोड़ा। इमरान खान ने कहा कि मैंने सारी जिंदगी कानून पर अमल दरामद किया, सिर्फ ये कहा कि कचहरी वाली जो अदालत है उसको दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि मैं फिर कहूंगा कि आप सिस्टम के अंदर आए, ये केस कुछ नहीं था, बस मिस हैंडल हुआ है। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि मैं अदालत की इस बात से इत्तफाक करता हूँ। कमरा अदालत में इमरान खान भी मौजूद हैं और इस मौके पर इमरान खान के वकील ने कहा
कि ताहाल तफसीलात इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात दर्ज हैं उनकी तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क दिए कि हमारे पास जिन केसेस में जमानत दायर हुई है उसमें ही जमानत दे सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि पुलिस 5-6 हजार अफराद को गिरफ्तार करना चाहती है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि हम आपको इसी केस में जमानत दे सकते हैं जो केस हमारे सामने है। फवाद चौधरी इस हवाले से कमरा अदालत में मौजूद है तो इमरान खान ने कहा कि मैं अदालत का शुक्र गुजार हूँ कि अदालत ने इस हवाले से एक्शन लिया। इमरान खान ने कहा कि जहाँ इस्लामाबाद में कचहरी है वहाँ खुदकुश हमला हो चुका है, मैं कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ, ठीक है, आप साथ ही रहेगा इशफाक। इमरान खान ने कहा कि आपने बचा लिया है।